तो इसमें वैकेंसी जो निकल कर आई, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 65 पोस्ट हैं, 65 पोस्ट, जो काफी समय से मैं वीडियोज बनाता आ रहा हूँ, तो कहीं 5 होती हैं, कहीं 2 होती हैं, कहीं 4 होती हैं। इस तरीके से मुझे भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि इतनी कम वैकेंसी के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी हो रही है इतने नंबर ऑफ वैकेंसी देखे कि 65 पोस्ट है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि एक खुशखबरी के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकल कर आई है आपके सामने KJMU में, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ UP में जो वैकेंसी निकल कर आई है, उसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी जो नंबर है वो 65 ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आई है। तो उसी के बारे में डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है, सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एक एक पॉइंट बारीकी से बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप दोस्त देख रहे हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये प्रॉपर तरीके से इनका लोगो आता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, ये इनकी वेबसाइट से जाकर के लिया है मैंने, तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं, एकदम ओरिजिनल है। आज मैं आपके सामने वैकेंसी क्रिएट दिखा रहा हूँ, क्या क्राइटेरिया है, कल को मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट डिटेल, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ग्रुप BNC, सारी चीज़ें, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्ड, ये पूरी पूरी कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे रिक्रूटमेंट के और जो एजुकेशनल सिलेबस होता है वो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, सभी साथी उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिनको PDF चाहिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या डिटेल में है इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो रिक्रूटमेंट सेल 2024 डेट 22/10/2024 को है, टोटल 17 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/17, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात एक एक करके समझेंगे, क्लियरली बात यह है, तो इसकी लास्ट डेट जो दोस्तों रहने वाली है वो December 31, 2024, यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। तो यानी कि 31 दिसंबर एक महीने का टाइम मिल जाएगा, तो यानी 2-4 दिन में जैसे ही इसकी स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी इस फॉर्म को भरने के लिए, लास्ट डेट आप ध्यान रखें 31 दिसंबर, अभी इन्होंने मेंशन की हुई है, क्लियर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या कहानी है। अब देखो, मोड ऑफ एप्लीकेशन अगर बात की जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों सिंपल सी भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन ऑन KJMU वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम ये आप एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, www.kgmu.org, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ओपन करना है, और यहीं पर आपका जो फॉर्म अप्लाई करोगे इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब वैकेंसी देखो दोस्तों, इसमें वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी काफ़ी निकल के आई हैं, सभी पैरामेडिकल पोस्ट्स की वैकेंसी है। नॉर्मली बात की जाए लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर्स ऑप्थोलॉजी, इन सभी की निकली हुई। आप दोस्तों इस PDF को जरूर शेयर करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वो लोग अप्लाई कर लें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। आगे हमारी वैकेंसी जिसके बारे में हमें आज इस वीडियो में बात करनी, तो वो है हमारी ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी, जो कि आप देख भी रहे हैं 44R2024 पे ओटी असिस्टेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें वैकेंसी जो निकल कर आई, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 65 पोस्ट हैं, 65 पोस्ट, जो काफ़ी समय से मैं वीडियोज बनाता आ रहा हूँ, तो कहीं 5 होती हैं, कहीं 2 होती हैं, कहीं 4 होती हैं। इस तरीके से मुझे भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि इतनी कम वैकेंसी के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी हो रही है इतने नंबर ऑफ वैकेंसी देखे कि 65 पोस्ट है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अभी ये कैटेगरीज वाइज है, अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ तो 28 है, अगर EWS की बात करूँ तो 6 है, और OBC की बात करूँ तो 17 है, और SC की बात करूँ तो 13 है, और ST की बात करूँ तो 1 है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफिकेशन की, क्या मांग रहे हैं। तो अगर बात करूँ तो BSc और 10+2 विथ साइंस साइड विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरियाज। अब काफ़ी बच्चे को समय 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई ऐसी वैकेंसीज निकल के आई थी सामने पिछले समय में, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, लेकिन पोस्ट क्या थी, 1 या 2, इसमें तो 65 है, तो अप्लाई ज़रूर करना। अब मैं बात करती थी कि एक्सपीरियंस की, 5 ईयर एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे मांग रहे हैं, कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस आपका वैलिड रहेगा, OT का रहेगा, ICU का रहेगा, CSSD का रहेगा, मैनिफोल्ड रूम, जिसको मैं कहता हूँ MGPS, MGPS इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस हो इसमें एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एनेस्थीसिया का, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, या फिर ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब, ये सब अगर आपको एक्सपीरियंस है इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की अगर मैं बात करूँ, डिजायरेबल की बात करेंगे तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन OT टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि प्रिफेयर मिलेगी तो लोग डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले हैं, या फिर सर्टिफिकेट वाले हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, इस बात से आप बेफिक्र रहें।
अगले सेंटेंस में इन्होंने लिखा है, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ द कैंडिडेट हैज वर्क इन ए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल ऑफ एटलीस्ट 500 बेडेड। ठीक है, ये होगी सिंपल सा इसका क्राइटेरिया जिसके बारे में हमें बात करनी थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि लाइक दिस एज वगैरह क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसमें किस तरीके का एग्जाम रहेगा, क्या क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों सबके सामने कि भैया अप्लाई तो कर देंगे लेकिन फीस चार्ज क्या है। तो फीस चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, द एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, ये सिंपल सी बात है, नॉट रिफंडेबल फीस, मतलब आपने अप्लाई कर दिया, पैसे जमा कर दिया तो कोई रिफंड नहीं होगा। अब अगर इसकी चार्जेस की बात करूँ तो अनरिजर्व OBC और EWS की अगर चार्ज की बात करूँ टोटल है 2360 रुपये, यानी 2360 रुपीज, 2360 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप अनरिजर्व OBC और EWS से हैं तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे, अगर SC और ST से हैं तो आपको 1416 रुपये यानी 1416 रुपीज आपको पे करने होंगे। ये होगी फीस की बात जो कि इंपॉर्टेंट बात रहती है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा और जो कि रिफंडेबल नहीं है, सिंपल सी बात यह है। अब बात करते हैं अगले और इम्पोर्टेंट बात की, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट बात नोटिफिकेशन में, मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये PDF अभी वहीं जाने वाला है। अगली इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों एज लिमिट, एज लिमिट क्या है कि इस फॉर्म को भरने के लिए, तो अगर बात की जाए कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन फॉर ऑल पोस्ट एज 1 जुलाई 2024, जो कि 1 जुलाई 2024 को अगर ये वहाँ से एज कैलकुलेट करेंगे तो ऑन दिस डेट कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर, यानी कम से कम 1 जुलाई 2024 को 18 साल के वो होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज जो रखी है वो 14 ईयर रखी है, सिंपल सी बात है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो है, लेकिन एज की सिंपल सी बात 18 साल कम से कम, 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अब बात आती है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट आपने आपके प्रिपेयर करके रखने हैं जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि क्या रेसेंट स्कैन कलर्ड फोटोकॉपी JPEG, ये सब इन्होंने दिखा हुआ, आप इस रीड कर लेना प्रॉपर तरीके से PDF को। स्कैन सिग्नेचर चाहिए आपके, ये वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और क्या चाहिए इंपॉर्टेंट बात, स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल, क्लियर है, ये सब आपने रखने हैं डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का वही तरीका के स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या रहने वाला है, वो रहने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कैन ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द वेबसाइट, वेबसाइट ये है, आप ढंग से देख लीजिए, वेबसाइट ये है www.kgmu.org.gov.php, ये वेबसाइट है, आप इस पर डायरेक्ट ओपन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस मीन्स कि आपको टेस्ट क्या रहने वाला, तो एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रहने वाला है लाइक द CRT। अब जैसे इसमें क्या रहेगा आपका, अगर मैं बात करूँ तो द CRT विल हैव ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 questions रहेंगे 100 marks के, और क्या क्या रहेंगे जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ रहेंगे। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क एज ए फॉलोज, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, 60 marks ऑन सब्जेक्ट, जो आपका सिलेबस है 60 marks का आपका सिलेबस रहेगा, और 10 marks के यानी 14 marks के आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश जो कि 10 marks की है, जनरल नॉलेज वो भी 10 marks की है, और 10 marks की रीजनिंग और 10 marks की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। सिंपल है दोस्तों, ये सारी जानकारी थी इसमें, और क्या है इसमें, बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर द CRT आर द 50% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट और 45% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने बता दी आपको। अब इसकी बात रहेगी सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं उसमें समझाऊंगा सिलेबस के बारे में। इसमें सिर्फ आपको वैकेंसी के लास्ट डेट इंपॉर्टेंट बात है, 31 दिसंबर रहने वाली है, तो आपको अप्लाई जरूर करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि आप मेरे लिए करते रहते हैं, हमेशा से करते हैं, तो ये भी करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड एक लाइक करने में कुछ जाता नहीं है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी समय समय पर चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एजुकेशनल मटेरियल इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।